अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस फरीन डेली ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम सब ठीक हैं। और यहाँ देखें, रियान रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए। रियान जैसे पहनो, खोल के पहनो मैजिक। खोल कर दी, खोलो मैजिक। खोला तो फिर पीछे सही से पाँव डालो। अब गया नहीं गया? चलो अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। गेट बंद करके जाना, अटका के मत जाना, बंद करके जाना। सही है, जाओ जाओ जाओ, मैं देख रही हूँ। अच्छा जी, चले गए रियान स्कूल और ये उड़ गई है। चलो ये दाल खाओ और जाके लेटो। क्या मोबाइल? मैं वादे करती नहीं हूँ, तो खास तौर पे आपसे वादा नहीं करती, क्योंकि आप पीछे पड़ जाती हैं हर काम के। मैं नहीं करूँगी। अब क्या नहीं करूँगी? मोबाइल नहीं लोगी? मोबाइल नहीं लोगी? लूंगी। तो फिर आप अपने घोड़े से खेलो ना, जो घोड़ा आपको ये, इनको कल ये घोड़ा मिला है, ये इनके बाबा के रक्षे पे कल किसी को बच्चा चुपका के चला गया पता नहीं तो इनको मिल गया ये घोड़ा कल हम जब जा रहे थे तो इनके बाबा के रक्षे पे कोई चुपका के गया हुआ था। ये देखें कैसे चिपक जाता है बच्चा, ऐसे चिपका हुआ था पीछे। तो अभी शकील ने देखा ये क्या चिपका हुआ है, देखा तो घोड़ा चिपका हुआ था। अब तो पता है नहीं किसका है, वरना दे देते। तो फिलहाल अभी रुमुल खैर खेल रही हैं, कोई बच्चा मांगेगा तो दे देंगे उनको बाहर गली में। हाँ, अगर कोई बच्चा गली का बच्चा होगा ना दे देंगे, कोने पे खड़ा करते हैं तो कोने पे का कोई बच्चा होगा मांग लेगा, शकील से आके पूछ लेगा, है ना भाई? पापा से आपके रक्षे पे हमने चिपकाया था, कहाँ है? तो पापा मां दे देंगे फिर उनको। सही, आप फिर दे देना, ठीक है, जब तक आप खेल लो। चले ये लोग खाएंगे भी, उठाते हैं। नहीं, आप गले से फेंक के नहीं दोगी, आप थोड़ी दोगी, वो तो बाबा देंगे। वो बाबा से बोलेंगे शकील भाई हमने आपके रक्षे पे चिपकाया था भालू अपना, कहाँ है डॉगी? है क्या? ये क्या? ये डॉगी तो नहीं है, घोड़ा है। हाँ, घोड़ा चिपकाया था। अगर किसी बच्चे ने पूछा, नहीं पूछा था, फिर वो आप खेलते रहना। सही, चलो सही। जब तक बाबा इनके सो रहे हैं, इनको उठाएंगे और इनको सुनाएंगे, उनको उठाएंगे और इनको सुनाएंगे, ठीक है? सो जाएंगी आप? चलो सही। वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील उठ चुके हैं यहाँ पे नाश्ता। अच्छा भाई, कैसे हैं आप सब? आप कैसी हैं? ये तो बड़े दिमाग खराब कर रही हैं कैसी हो सकती हैं? और ये हैं इनके बाबा जो कर रहे हैं नाश्ता। अच्छा भाई, ये बहुत देर में उठे हैं, इनको उठा उठा के हम थक गए। उठ जाओ भाई, उठ जाओ, ये अब बहुत लेट उठे हैं। अब ये कब उठेंगे? ठीक है, मुझे आपसे कुछ काम था, बाजार से सो कुछ मंगवाना है दोपहर के खाने। आ जाओ। हाँ, मैंने आपको वेनेसडे से बोला था, अभी थोड़ी हटा, आज तो 18 तारीख है। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी बर्थडे का। तुम्हारी बर्थडे अक्टूबर में, नवंबर अक्टूबर में आती है। ओ यार, 18 अक्टूबर। तो अभी अक्टूबर नहीं, दिसंबर है। 18 अक्टूबर। सलाम दुआ नहीं होती? आपसे बात कर रहा हूं। अब करो। अस्सलाम वालेकुम। और बैग वैग रखो। उठ गई। हाँ, मैं जा रही हूँ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। सही है, बैग वैग उतारो, कपड़े उतार के रखो। यहाँ यहाँ स्कूल से आके खाना खा रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं बना रही थी, दम वम पे रखे हुए थे चावल उस टाइम पे, बस बन गए हैं, लाइट भी चली जाती है। तो आज मैंने बनाया मटर पुलाव बच्चों के लिए दोपहर में। बहुत सारे मतलब क्या जो आप लोग खा रहे हैं? हाँ, टेस्ट करके देखें कैसे बने, मज़े के। मुझे गर्म है, फूक मार के बहुत गर्म होने, धुआं निकल रहा है, देखें धुआं निकल रहा ही, देखें गरम है ना बहुत। कैसे बने मुल्क है? सही बने? चलो सही है, खाओ। पानी
पानी भी पिए आप लोग। अब मिर्ची बहुत लगती है, हालांकि हमने मिर्ची को डाली नहीं है ज़्यादा इसमें। अच्छा लो उसको चॉकलेट के गई उठाना, चलो जाओ देख जल्दी जाओ ना उम्र खैर रहा। चलो अल्लाह हाफिज़, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम करिए। अरे यान भागम दौड़ी नहीं करना, गिरे आराम आराम से। यान चाबी ली, अल्लाह हाफिज़। जी शकील आ चुके हैं और मैं खा रहे हैं खाना। बच्चे हरी मिर्ची जो फ़ायदा करती है ना, वो पेट का निज़ाम को सही करना, जो शुगर शुगर के लिए भी फ़ायदेमंद है। ट्रे थोड़ी छोटी हो गई, दो बड़ी वाली ट्रे ना मैंने किसी यूज़ में रखी हुई है, तो बस चटनी वो कितने अच्छे बने। चावल मैं पहले भी ला चुकी हूँ, रेहान के बर्थडे पर लाई थी चावल, 100 जब उसने 280 दिए थे, 290 वाले चावल। अजीब सी लगती है, खाई भी नहीं जाती। अरे चावल तो अच्छे हैं, चावल अच्छे हैं, लेकिन ये मैं पहले ला चुकी। बिरयानी में बनाए मैंने, वो नहीं बिरयानी बनाई थी यान के बर्थडे पे, वो ये 280 थे पहले बर्थडे पे नवंबर में अक्टूबर में। चलो चलें खाएँ खाना, फिर मैं जल्दी काम करूँ अपना। चाहिए ट्यूशन जाना है, आप अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए कॉल की थी, बड़ों और अब जाएंगे मदरसे से, अब जाएंगे ट्यूशन जाने की तैयारी। चलो भाई ट्यूशन जाओ, चलो रेडी हो और अपर पहनो रेहान, ना सॉक्स वॉक्स पे कुछ भी पहन के नहीं गए आज। बाजी कह रही है ना सॉक्स पहना ना कुछ पहना, आज ऐसे चले गए। मैंने कहा देर हो रही थी इसलिए। क्यों गंदा तो नहीं था, मैंने तो पी लिया। चलो अच्छा अच्छा चलो पी लिया गंदी सही। चलो मामा ट्यूशन की देर हो रही, चलिए चलिए। जी बोलिए, क्या बोलें, चेंज कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ चेंज। चलिए चलो सलाम करिए, आराम आराम से आराम आराम से। चलिए चलिए आओ, देखो हेंगी ऊपर, वालेकुम सलाम बोल ली, जाओ हेंगी रन है ना हेंगी। आवाज़ लगा के पूछ लो टीचर, जाओ जाके पूछो, आवाज़ आ रही टीचर की, जाओ। वो नहीं देखा सामने ही खड़ी हैं। मैं कह रही जी मैं आ गई हूँ बच्चों को छोड़ के ट्यूशन, और बस अब थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं, इनको आराम करने से क्या हो जा रहे हैं। अरे नहीं जा नहीं रहा, वो वायर लगा रहा, वायर है तो मेरा लूज हो गया, मैं याली वायर ली वो भी अच्छी है क्योंकि मुझे चार्ज नहीं था, अगर नहीं होगा तो फिर मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगी। होगा मैं यही हूँ अभी। अच्छा जो लाइट आ जाए फिर चेक कर लें फिर जाना है। हाँ सही चले। और अब मुझे पूरा कमरा समेटना है, कपड़े डाल के गई थी समेटने, ये धुले हुए भी थे कुछ, धुले हुए कुछ दिन पहन की थी तो वो पड़े हुए थे, अभी तक समेटा नहीं था पूरा कमरा फैला हुआ, मैं समेटना जल्दी जल्दी काम करने। हवा चल रही है शकील, हवा की चले करते हैं घर के काम अभी थोड़ी देर में। अमल खैर और रेहान आ चुके हैं, आ चुके हैं ट्यूशन से। नहीं हमें सरप्राइज़ की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं हमें सरप्राइज़ नहीं चाहिए। हमें पता है क्या सरप्राइज़ है, आपका डोंकी है, डोंकी और हॉर्स है, दिखाइए लाओ दो सरप्राइज। अच्छा लाओ फ्रेंडली आइंस बन खोली। अरे वाह देखा मैंने कहा था ना वाह ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज लाई। अब ये मेरा हो गया, मैं खेलूंगी सही है इसे, अब आप नहीं खेलना, ये मेरा है। अब मैं ऊपर लटका रख देती हूँ इसको, ये मैंने ऊपर लगा दिया, उम्र खैर का हाथ भी नहीं जाएगा यहाँ पे। अच्छा सही है, अच्छा ये लो, अच्छा अम्मा हमारी ये लो, फेंक दिया मैंने, वो रहा वो रहा वो रहा फेंक दिया, चेयर नहीं लगा। उम्र खैर चीज़ों को इधर से उधर नहीं करो, खिलावा ज़्यादा कर दो। नहीं मजाक कर रही थी, चलो बस। अच्छा जी यहाँ पे तो बहुत रेहान सो चुके हैं, खाना वाना खा के शकील भी आए थे चले गए। दरअसल बात है सही कि अब्बू की तबीयत पूछने में आए थे, मुमानी वगैरह आई थी शकील की, तो वो लोग आए हुए थे, मुमानी आई हुई थी, उनके बच्चे आए हुए थे, जिस वजह से है ना कंटिन्यू नहीं कर पाई। और लाइट चला दूँ, फ्लैश ऑफ हो गया।
मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, मेहमान आए हुए थे और अभी ना दरअसल घर का मसला ऐसा है, और कल हो सकता है, वैसे तो डॉक्टर, कल मैं अब्बू के पास गई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि सैटरडे या फ्राइडे, सैटरडे तक ही उनका जो है ऑपरेट होगा, लेकिन ऑपरेट नहीं हो रहा, वो कल हो रहा है, मतलब फ्राइडे सैटरडे को नहीं, वो डॉक्टर कल आ रहे हैं, कल हो रहा है, देखें अल्लाह ताला, बस आप लोग से दुआओं की अपील लगे कि आप लोग सब मेरा दुआएं करें, जो मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं, मेरे सासू सर के लिए दुआ करें कि इनके जो हैं जो ऑपरेट है वो सक्सेसफुल हो जाए, और बस सहतियाब हो जाएँ, सहतियाब होकर घर आ जाएँ, और बस यहाँ पर जो है मेहमानों का सिलसिला जारी था, मेहमान आ रहे थे, फिर उसके बाद गए हैं कि शकील आए, उनको खाना बना दिया, खाना बना देने के बाद तो वो चाय पी के अभी अभी थोड़ी देर पहले शकील घर से निकले हैं, उनको ज़रा जाना था, सवारी थी लेट नाइट, हॉस्पिटल भी जाना था, पर हॉस्पिटल से उनके भाई की कॉल आ गई कि आज आप ना ही आएँ, क्योंकि वो आज नाइट शकील रहते हैं वहाँ पे, पर उन्होंने कॉल कर दी कि ना आज रात आप नहीं आएँ, कल आ जाइएगा, क्योंकि कल है ना उनका ऑपरेट है, तो कल ही आ जाइएगा। उम्र खा ये बैठी हुई, और दरअसल ये रियान सो चुके हैं, अभी मेहमान गए हैं, उसके आज जाने के बाद, फ़ौरन जाने के बाद रियान सो गए थे, उनको नहीं आया था, क्योंकि सुबह के उठे हुए होते हैं, इनको सुबह स्कूल जाना होता है, तो बस सोने की तैयारी करते हैं, मैं भी अब सोने जा रही हूँ। तो मेरा ब्लॉग प्लीज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स नंबर पर, तक लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।